सुप्रभात, मैं हसराज कक्षा 9वीं का छात्र। मैं अपनी टीम बाका वेरियस का एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट का शीर्षक है रिवर क्लीनिंग बोट। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने मेनली एक नदी के कूड़े कचरों को इकट्ठा करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बेल्ट दिया है जिसमें कूड़ा आकर स्लाइड होते होते एक जगह स्टोर होगा, और इसको हम लोगों ने 4 गियर मोटर का यूज़ किया है। हमने 2 गियर मोटर इस बेल्ट को चलाने के लिए और 2 मोटर इसको मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट मूव करने के लिए किया है। हम लोगों ने इसमें आर्डुइनो नैनो मोटर ड्राइवर रिसीवर यूज़ किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक इसमें कैमरा भी लगाया है। अगर हम चाहते हैं कि घर बैठे मतलब नदी किनारे में से ही हम इसे कंट्रोल करें तो हम लोग इसे बैठे बैठे अच्छी दूर तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों ने इसका रेंज 1 किलोमीटर इस ट्रांसमीटर के द्वारा रखा है। अभी मैं आपको इसका टेस्ट वीडियो दिखाता हूँ। ये हम लोग इसके बेल्ट को ऑन किया हम लोगों ने, फिर इसको हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इस तरह हम लोग इसके पूरे कचरे को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह जैसा आप देख सकते हैं, जैसे अपने एक जगह पर ये कूड़ा स्टोर करना है। ये देखिए हमारा कचरा एक जगह पर स्टोर हो गया है। इस तरह हम लोग इसे यूज कर सकते हैं नदी बोटों तालाबों में, जहाँ पानी के ऊपर तैरने वाले ढेर सारी प्लास्टिक की बॉटल या फिर कुछ मतलब कुछ कूड़ा कचरा, लोग जैसे पूजा के सामानों को नदी में बहाते हैं उसे, उस कारण से नदी में ढेर सारी गंदगी फैल जाती है, तो इसको हम लोग इस तरह से एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। अब बात है इसे अगर डंप करने की, तो हम लोग इसे डंप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक सिस्टम दिया है, ये गेट टाइप का, जो हम लोग ये लॉक को पहले हटाएंगे, फिर उसके बाद ये गेट खुलने लग जाएगा। फिर ये सारा कूड़ा कचरा को हम लोग एक जगह से इस जगह से बाहर कर देंगे। बाहर हम इसे कहीं